बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, तहजीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, हम इस वीडियो के अंदर कमांड लाइन यूटिलिटी को पाइथन के साथ बाइंड करेंगे और उस पाइथन कोड को ईएक्सई में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कमांड लाइन यूटिलिटी को जब भी हम पाइथन कोड के साथ बाइंड करते हैं, चाहे हमें उसमें कंसोल को लेना हो, मतलब कंसोल अपने डिस्प्ले पे डिस्प्ले करना हो या ना करना हो, तब तक तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम उसकी ईएक्सई कन्वर्ट करते हैं और उस ईएक्सई में उसको उस ईएक्सई को बता देते हैं कि हमें कंसोल विंडो नहीं चाहिए, तब वो कमांड लाइन यूटिलिटी हमारी वर्क नहीं कर रही होती। तो वही दिखाने के लिए मैं आपको ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा कि वो जो एरर आ रही है वो क्यों आ रही है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, और सबसे पहले मैं बताऊँ कि कमांड लाइन यूटिलिटी है क्या। कमांड लाइन यूटिलिटी कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एफ एफ प्ले एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, जो कि जिसका जो फॉर एक्सटेंशन है वो डॉट ई एक्स ई है। तो इसका यूज़ हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बाइंड करके कर सकते हैं और सिंपली डायरेक्टली भी रन करके कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा एफ एफ प्ले, जो कि कमांड लाइन यूटिलिटी का नेम है, सॉरी प्ले नहीं लिखा, ओके मैंने लिखा एफ एफ प्ले, और इसके बाद इसकी जो कमांड है हाइफन आई, जो कि बता रहा है हम कुछ इसमें इनपुट देने वाले हैं, और इनपुट डॉट एम पी फोर। और यहाँ पर जैसे मैंने इसको इंटर किया, आप देख सकते हो हमारे पास एक वीडियो प्लेयर की एक विंडो आ चुकी है, जो कि एफ एफ प्ले का काम है कि वीडियो को प्ले करना। ओके, आपको समझ में आ गई ये बात? तो नाउ इसी अगर ये कमांड लाइन से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम इसको पाइथन स्क्रिप्ट से भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही लाइन हमने यहाँ पर इसको कमांड लाइन हमने इंपोर्ट किया है सब प्रोसेस को, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके इसके कमांड लाइन आर्गुमेंट में हमने पाइथन के थ्रू पास किया हुआ है। इसी को हम सी के थ्रू, जावा के थ्रू या रूबी के थ्रू, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है उससे पास कर सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एक विंडो आ गई है, जो कि अभी हमने यहाँ पर पाइथन स्क्रिप्ट को रन किया, तब हमारे पास वही विंडो जो एफ एफ प्ले की जो विंडो थी वो आ चुकी है। लेकिन इसके साथ अभी हमारे पास कोई भी कंसोल विंडो नहीं आई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से फॉल्स कर देते हैं, ओके यहाँ से मैंने इसको किया फॉल्स, तब क्या होगा, ये जब ये स्क्रिप्ट रन होगी तो उसके साथ हमारे पास एक कंसोल विंडो आई है ब्लैक कलर की, और उसके बाद मेन विंडो आई है। तो यूज़र को ये तो नहीं चाहिए कि कंसोल विंडो हम उसको दें, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो बेहतर था। लेकिन मैं इसको यहाँ से ट्रू कर देता हूँ ताकि हमें जो कंसोल विंडो है वो ना दिखे। अब मैं इसको ईएक्सई फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये टॉगल बटन का एक एग्ज़ाम्पल है, तो मैंने इसको यहाँ से किया रन, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक जीयूआई है, जो कि मैंने अपनी पाइथन की Pyqt5 की जो सीरीज़ है उसमें बताया हुआ है किस तरह से ये बनाना है। तो अभी आप देख सकते हो ये जीयूआई है। सबसे पहले मैं इस जीयूआई को ईएक्सई में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं सीएमडी पे जाता हूँ, और सीएमडी पे जाने पर तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंस्टॉलर, ओके मैंने गलत लिख दिया इंस्टॉलर, और इसके बाद हमने लिखा हाइफन कैपिटल एफ, और इसके बाद हाइफन डब्लू। फर्स्ट ये कैपिटल एफ ये डिनोट कर रहा है कि हमें सिंगल फाइल चाहिए, मतलब हमें उस ईएक्सई के साथ जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उसको एक फाइल में बाइंड करके दो, हमें उसके लिए अलग अलग डिपेंडेंसीज नहीं चाहिए, हमें एक ही फाइल को मैनेज करना है। हाइफन डब्लू ये बता रहा है कि हमें कंसोल विंडो नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी ईएक्सई बनाते हैं तब हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हमें उसके साथ कंसोल विंडो चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब हमें उस कंसोल विंडो नहीं चाहिए, जो कि हमने हाइफन डब्ल्यू लिख के बता दिया है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ टॉगल बटन, जो कि हमारी पाइथन फाइल का नाम है, और यहाँ पर मैंने लिखा डॉट पाई। अब आप इसके बैकग्राउंड में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फोल्डर्स क्रिएट होने लगे हैं, और हमारे पास एक सिंगल ईएक्सई आएगी जिसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं विदाउट पाइथन, क्योंकि वो ईएक्सई में है तो उसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसीज को हुकअप कर रहा है एक साथ, और जितनी भी इसकी लाइब्रेरीज़ हैं उन सबको
ईएक्सी के साथ बाइंड करके हमें एक सिंगल एक ईएक्सी हमें प्रोवाइड करेगा पाई इंस्टॉलर। आप किसी और भी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो ईएक्सी बनाने के लिए, इस समय मैं पाई इंस्टॉलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली इसको रन करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने पे आप देख सकते हो हमारी जीयूआई आ चुकी है और इसको मैं यहाँ से ऑपरेट कर पा रहा हूँ किसी भी प्रॉब्लम के बिना। तो अभी मैं इसको प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ, तो आप देखोगे जो टॉगल बटन था उसकी अभी ईएक्सी बन गई है। एप्लीकेशन ये है, ये ईएक्सी फॉर्मेट में, इसका एक्सटेंशन ईएक्सी फॉर्मेट में है। ओके, तो स्टैंड अलोन हो गई है और ये इसका जो फाइल साइज़ है आई थिंक वो 28.99 MB है। और इसको मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। सेम काम मैं इस फाइल के लिए करूँगा जो कि हमारे पास हमने कमांड लाइन यूटिलिटी के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी थी, जहाँ पर हमने FF प्ले को पाइथन स्क्रिप्ट से यहाँ पर बताया था और कमांड लाइन में पास किया था। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए। मैंने इसको डिलीट किया, ये भी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। नाउ अगेन मैं अब CMD पे आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर CMD पे गया और यहाँ पर मैंने सारे कमांड्स वही रखे, बस मैंने फाइल का नेम चेंज किया और इसको इंटर किया। यहाँ पर मैंने बता दिया कि मुझे सिंगल फाइल चाहिए और -W से ये बता दिया मुझे कंसोल विंडो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये हो रहा है रन। तो बस यहीं पे एक प्रॉब्लम हमारी आएगी, जब ये ईएक्सी जनरेट होगी तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, स्क्रिप्ट फेल टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास, मैं इसको यहाँ से करता हूँ ओपन, तो डेफिनेटली ये रन होने वाली नहीं थी, फॉल्ट टू एरर डिटेक्ट, क्योंकि ये एक डिफरेंट फोल्डर में है और इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो डिफरेंट फोल्डर में है। मतलब उसके साथ जो FF प्ले है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और जो इनपुट फाइल है वो यहाँ पर है। तो इसको मैं सेम फोल्डर में डाल देता हूँ। मैंने सेम फोल्डर में डाला और नाउ अगेन मैंने इसको क्लिक किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर फेल टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट ए। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है क्योंकि हमने, आप देखोगे यहाँ पर हमने बताया -W, इसका मतलब हमें कंसोल विंडो नहीं चाहिए, लेकिन कमांड लाइन यूटिलिटी कंसोल विंडो पर ही रन होती है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर ये एरर मिल रही। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अब मुझे कंसोल विंडो चाहिए और सिंगल फाइल चाहिए। मैंने इसको अगेन इसको यहाँ से पहले, सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ सब कुछ, ट्राई टू स्किप। ओके, मैं इसको प्रॉपर तरीके से पूरा डिलीट कर देता हूँ। इसको किया मैंने डिलीट, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और नाउ अब मैं इसको विदाउट विद कंसोल विंडो, जो एप्लीकेशन हमारी बनेगी ईएक्सी वो कंसोल विंडो के साथ ओपन होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर -W नहीं लिखा है हमने, और मैंने किया इंटर इसको, और यहाँ पर अब ये जो लाइब्रेरीज हैं, डिपेंडेंसीज हैं, उस ईएक्सी में बाइंड होने लग रही हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर ईएक्सी आ जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ से तो रन होने वाली है नहीं, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हो ये विंडो आई थी, वो डिलीट हो गई है, मतलब कॉइंस क्लोज हो गई है। अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं उसको मेन फोल्डर में लेके जाऊँगा जहाँ पर इसकी इनपुट फाइल और जो कमांड लाइन यूटिलिटी फाइल है वो यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। अब मैंने सिंपली इस पर डबल क्लिक किया, आप देख रहे हो हमारे पास जो इसके बैकग्राउंड में एक कंसोल विंडो आ चुकी है और इसके ऊपर एक मेन विंडो आ चुकी है जिसमें हमारी ये वीडियो प्ले हो रही है। तो FF प्ले का काम ही ये वीडियो को प्ले करना, तो ये वीडियो प्ले होने के लिए यहाँ पर रेडी है और ये वीडियो को प्ले कर रही है, लेकिन इसके पीछे कंसोल विंडो भी आ गई है। तो ये एक प्रॉब्लम है बिकॉज क्योंकि अगर हम किसी को अपना एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे तो उसमें हम चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि हम उसमें कोई कंसोल विंडो यूज़र को दें, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है।
इस कंसोल पे वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इस पर डिस्कशन करूँगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जाकर यहाँ पर बता सकते हैं क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। और ये वो फाइल है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फॉल्ट एरर का मैसेज आ रहा है बिकॉज क्योंकि हमने इसमें कंसोल को अलाउ नहीं किया है ओपन होने के लिए, यहाँ पर कंसोल को अलाउ किया हुआ है। और एक फ़र्क आप देख भी सकते हो यहाँ पर, जो अगर कंसोल को अलाउ किया है तो हमारे पास ये जो आइकन है डिफ़ॉल्ट आइकन अगर आपने सेट किया हुआ है तो आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर में होगा, और जो अगर आपने कंसोल को अलाउ नहीं किया तो ये वाइट कलर में होगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। क्या प्रॉब्लम है exe में और फिर पाइथन की स्क्रिप्ट में वो आपको डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो इन फ्यूचर में इस पर वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है तो आप नीचे कमेंट में सेक्शन में जाके सबके साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और खुदा हाफिज़।